जय माई की। नमस्कार, मैं हूं हनुमान मिश्रा, आपका अपना ज्योतिषी व अंकशास्त्री। उपस्थित हूं साल 2022 के राशिफल के साथ, मीन्स ये है राशिफल 2022 इन हिंदी। इसमें हम जानने जा रहे हैं कि वृष राशि के लिए 2022 कैसा रहेगा, उस पर भी विशेषकर वृषभ राशि धन लाभ, वृषभ राशि धन प्राप्ति, वृषभ राशि का धन योग, यानी कि वृषभ राशि वालों को धन कब मिलेगा, कितना मिलेगा, कितना खर्च होगा, जैसे मुद्दों जिसमें वृषभ राशि के धन से संबंधित विषयों की चर्चा समाहित है, ये हम चर्चा करने जा रहे हैं। यदि यह हिंदी समझने में कुछ कठिनाई होगी, क्योंकि कुछ क्लिष्ट हिंदी वाले शब्द हैं, तो अंग्रेजी में, सरल अंग्रेजी में आपको बता देते हैं कि हम बात कर रहे हैं कि टॉरस फाइनेंस होरोस्कोप 2022 की, टॉरस मनी होरोस्कोप 2022 की, टॉरस वेल्थ होरोस्कोप 2022 की। ध्यान रहे, यह वार्षिक राशि भविष्य 2022 है। इसमें हम वार्षिक राशिफल यानी कि ईयरली होरोस्कोप बताएंगे। अंग्रेजी में बोले तो इज 2022 गुड फॉर टॉरस फाइनेंस, अथवा इज 2022 गोइंग टू बी अ गुड ईयर फॉर टॉरस फाइनेंस। और इसकी पड़ताल के लिए हम आगे बढ़ें, इससे पहले आपको बता दें कि यह राशिफल लग्न पर आधारित राशिफल है। यदि आप लग्न के माध्यम से इसे देखेंगे तो परिणाम ज़्यादा सटीक होंगे। बाकी लग्न का पता ना होने पर पहली कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि आप अपने लग्न की जानकारी प्राप्त करें, लेकिन यदि ना पता चल पाए तो आप अपनी राशि के अनुसार या फिर नाम राशि के अनुसार भी अपने भविष्यफल की टोह ले सकते हैं। वृष राशि 2022 मनी होरोस्कोप या वृष राशि फाइनेंस 2022 होरोस्कोप को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि वृष राशि वाले लोगों के लिए इस वर्ष प्रमुख ग्रहों के गोचर कैसे रहने वाले हैं, क्योंकि उन्हीं के आधार पर ही वृष राशि 2022 फाइनेंस यानी कि फाइनेंस संबंधी परिणाम का भविष्यफल या भविष्य कथन किया जाएगा। साल 2022 वृष राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए कैसा रहने वाला है, यह जानने के लिए हम इनके दूसरे भाव तथा दूसरे भाव के स्वामी बुध के गोचर को देखेंगे, साथ ही साथ इनके लाभ भाव तथा लाभ भाव के स्वामी बृहस्पति के गोचर को देखेंगे। इसके अलावा राहु केतु, शनि या अन्य ग्रहों के गोचर तो विचारणीय रहेंगे ही रहेंगे। सबसे पहले हम लाभ भाव की ओर चलते हैं। टॉरस होरोस्कोप फाइनेंस 2022 या टॉरस होरोस्कोप मनी के मामले में गुरु को देखें तो साल की शुरुआत से लेकर 13 अप्रैल 2022 तक यह लाभ भाव का स्वामी बृहस्पति कर्म स्थान पर बने रहेंगे, यह एक अच्छा संकेत है। बृहस्पति यहां से आपके धन भाव को देखेंगे और धन संचय में मदद करेंगे। 13 अप्रैल 2022 के बाद बृहस्पति का गोचर बाकी के दिनों के लिए मीन राशि में रहेगा, यानी कि आपके लाभ भाव में रहेगा, और यहां से बृहस्पति आपके लाभ भाव के रास्तों को मजबूत करेंगे। यानी कि बृहस्पति का गोचर सामान्य तौर पर इस वर्ष आपके आर्थिक पक्ष के लिए अच्छा रहने वाला है। टॉरस फाइनेंशियल होरोस्कोप 2022 या टॉरस वेल्थ होरोस्कोप के मामले में शनि ग्रह के गोचर को देखें तो शनि ग्रह का कोई नकारात्मक प्रभाव इस वर्ष आपके संचित धन वाले भाव में नहीं रहेगा, लेकिन 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 के अलावा बाकी के अन्य दिनों में लाभ भाव पर शनि का प्रभाव रहेगा, जो इस बात का संकेत कर रहा है कि आपको लाभ तो मिलेगा, लेकिन लाभ मिलने में थोड़ी सी देरी हो सकती है। अर्थात लाभ मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा डिले होकर लाभ मिल सकता है। अब हम टॉरस होरोस्कोप फाइनेंस 2022 या टॉरस होरोस्कोप मनी लक 2022 के लिए दूसरे भाव के स्वामी बुध के गोचर को देख लेते हैं कि वह इस वर्ष आपके लिए कितना हेल्पफुल रहेगा, कितना सहयोगी रहेगा। साल की शुरुआत से लेकर 6 मार्च 2022 तक बुध ग्रह का गोचर मकर राशि यानी कि आपके नवम भाव में रहे। सामान्य तौर पर आर्थिक मामलों के लिए यह अनुकूल समय है। 6 मार्च 2022 से लेकर 24 मार्च 2022 के बीच बुध ग्रह कुंभ राशि में रहेंगे। करियर स्थान का यह गोचर कामों में बेहतरी देकर आर्थिक पक्ष को मजबूत करेगा। 24 मार्च 2022 से 8 अप्रैल 2022 के बीच बुध मीन राशि में रहेगा, यानी कि नीच का रहेगा। हालांकि नीच का होना अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन लाभ भाव में गोचर होने के कारण आर्थिक पक्ष में यहां से भी मजबूती मिलती रहेगी। 8 अप्रैल 2022 से 25 अप्रैल 2022 के बीच बुध वृष राशि में रहेंगे, जो तुलनात्मक रूप से खर्चे अधिक करवा सकते हैं।
अतः इस समय को आर्थिक पक्ष के लिए कमजोर कहा जाएगा। 25 अप्रैल 2022 से 2 जुलाई 2022 के बीच बुध का गोचर वृषभ राशि में होगा, जो आपके आर्थिक पक्ष के लिए अनुकूल रहेगा। 2 जुलाई 2022 से 17 जुलाई 2022 के बीच बुध का गोचर मिथुन राशि में रहेगा, यह आर्थिक पक्ष के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। 17 जुलाई 2022 से 1 अगस्त 2022 के बीच बुध का गोचर कर्क राशि में रहेगा, यह आर्थिक मामलों के लिए एवरेज स्थिति है। 1 अगस्त 2022 से 21 अगस्त 2022 के बीच बुध ग्रह का गोचर सिंह राशि में रहेगा, यह आर्थिक मामलों के लिए अच्छी स्थिति है। 21 अगस्त 2022 से 26 अक्टूबर 2022 के बीच बुध का गोचर कन्या राशि में रहेगा, यह आर्थिक मामलों के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। 26 अक्टूबर 2022 से 13 नवंबर 2022 के बीच बुध का गोचर तुला राशि में रहेगा, यह आर्थिक मामलों के लिए मिले जुले परिणाम देने वाली स्थिति है। 13 अप्रैल 2022 से 3 दिसंबर 2022 के बीच बुध का गोचर वृश्चिक राशि में रहेगा, आर्थिक मामलों के लिए यह एक एवरेज स्थिति है। 3 दिसंबर 2022 से 28 दिसंबर 2022 के बीच बुध का गोचर धनु राशि में रहेगा, आर्थिक मामलों के लिए यह कुछ अच्छी तो कुछ खराब यानी मिली जुली स्थिति है, यानी कि इस अवधि में मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। 28 दिसंबर 2022 से लेकर 30 दिसंबर 2022 तक बुध मकर राशि में रहेगा, आर्थिक मामलों के लिए यह एक अच्छी स्थिति है। सिर्फ एक दिन के लिए, साल के आखिरी दिन के लिए, यानी 30 से 31 दिसंबर 2022 के लिए इस वर्ष बुध धनु राशि में फिर से आ जाएंगे, यानी कि यह तुलनात्मक रूप से कमजोर स्थिति होगी जो एक या डेढ़ दिनों के लिए है। कुल मिलाकर यह साल हम वृष राशि वाले लोगों के आर्थिक पक्ष में बेहतरी की उम्मीद इस साल से कर रहे हैं। इन सब परिणामों के आधार पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि कैन टॉरस बिकम रिच और नॉट, स्पेशली 2022 में क्या ये धनवान हो सकते हैं या नहीं। तो इस राशिफल के माध्यम से आप अच्छे व कमजोर समय को जानकर उसके अनुसार आचरण करें और अपने धन फाइनेंस या मनी के मामले को में बेहतरी लाएं। आइए अब यह जान लेते हैं कि यदि साल 2022 में वृष राशि वाले लोगों को फाइनेंस या मनी आर्थिक भविष्य के मामले में कोई व्यवधान आता है तो इन्हें कौन से उपाय करके अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर करना होगा, यानी ये कौन सा उपाय करें कि इनकी अर्थव्यवस्था बेहतर हो, आइए उपाय जान लेते हैं। वृष राशि वाले लोगों को साल 2022 में अपने आर्थिक सुधार के लिए नियमित रूप से गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए। प्रत्येक गुरुवार को केले के पौधे के पास देसी घी का दीपक जलाना चाहिए और नियमित रूप से माथे पर हल्दी का टीका लगाना चाहिए। अगर इन उपायों से आपको लाभ नहीं होता है, बहुत संभव है कि होगा ही होगा, लेकिन अगर नहीं होता है तो इसके पीछे आपकी प्रतिकूल दशाएं हो सकती हैं। इसके लिए आप अपनी विधिवत कुंडली दिखा करके अपनी दशाओं व अंतरदशाओं की अनुकूलता प्रतिकूलता जानकर उनका उपाय करके आप बेहतर आर्थिक समृद्धि का मार्ग ढूंढ सकेंगे। इसके लिए आपको चाहिए कि किसी जानकार ज्योतिषी से अपनी कुंडली चेक करवाएं। यदि आपकी इच्छा मुझसे अपनी कुंडली विश्लेषण करवाने की हो तो आप स्क्रीन पर दिखने वाले नंबर पर कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट ले करके, यानी अपना समय फिक्स करके हमसे सलाह ले सकते हैं। बस यही एक इजी प्रोसेस है, लेकिन यहाँ ये बाध्यता बिल्कुल नहीं कि आप मुझसे ही सलाह लें, कहीं से भी लें, लेकिन सलाह जरूर लें। आप सुखी रहें, आनंदित रहें, हम तो बस यही चाहते हैं। उम्मीद है इस राशिफल के माध्यम से आप अपने आने वाले साल को बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और अपने धन फाइनेंस या मनी का बेहतर व्यवस्थापन कर सकेंगे। माता लक्ष्मी आप पर कृपा बनाए रखें। साल 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माई की। धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें धर्म.tv और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के आइकन पर क्लिक करें।